पुलिस शोहदा की फैमिलीज को प्लॉट देने का इकदाम। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन रजा नकवी की जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट मुल्तान में पुलिस शोहदा की फैमिलीज से मुलाकात। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन रजा नकवी ने 32 पुलिस शोहदा की फैमिलीज को प्लॉट के अलॉटमेंट लेटर दिए। पाक फौज और पुलिस के शोहदा हमारे हीरो हैं, ऐसा कहना था निगरान वजीर आला पंजाब का। उनके जानिब से मजीद क्या कहा गया है ये बताएंगे डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर हसन रजा। हसन अपडेट कीजिए। वजीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रजा नकवी की जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट मुल्तान में कोई शोहदा की फैमिली से मुलाकात हुई और वजीर आला पंजाब ने 32 कोई शोहदा की फैमिली में प्लॉट के अलॉटमेंट तकसीम करते हुए फैमिली से प्लॉट की पोजेशन फीस और ट्रांसफर फीस वसूल न करने का भी ऐलान किया है। मोहसिन नकवी ने कहा, पाक फौज और पुलिस के शोहदा हमारे हीरो हैं, सरहदों और हमारे घरों की हिफाजत करने वाले शोहदा हमारे दिलों में रहते हैं। मोहसिन नकवी ने कहा कि जिंदा कौमें अपने हीरोज को कभी फरामोश नहीं करती, सूबे में अमन व अमान बरकरार रखने के लिए इस हवाले से जो इकदाम किए गए इसमें पुलिस की खिदमात काबिल तारीफ है। वजीर आला का कहना था कि पुलिस ने कच्चे के इलाकों में डाकुओं की बैसकीनी के लिए बड़ी दिलेरी का मुजाहरा किया है, उनके तमाम ठिकानों को तबाह कर दिया है। मोहसिन नकवी ने कहा कि शोहदा की फैमिलीज को दिलासा दिया। उन्होंने कहा कि IG पंजाब पुलिस ने बेहतरीन खिदमात सर अंजाम दी और पंजाब पुलिस ने फलाह बहबूद और तरक्की के लिए इकदाम पर वजीर आला को खराज तहसील पेश किया। इसके साथ साथ सूबाई वजरा औकाफ जिससे IG पुलिस एडिशनल चीफ सेक्रेटरी वजरा वो भी इस मौके पर मौजूद थे, उन्होंने भी पंजाब पुलिस की कारकर्दगी और उनके इकदाम को सराहा गया है। हसन बहुत शुक्रिया आपका।